हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। और ये देखो मेरी मम्मी, तो मुझे अपने मायके आए हुए हो गए हैं 3-4 दिन और मैं 1 वीक के लिए ही यहाँ आई थी और अभी धीरे धीरे जाने की तैयारी है, शुरू हो गई है। मेरी बड़ी बहन आई थी, मेरी पम्मी भी आई थी, मेरी बुआ जी की लड़की। तो फ्रेंड्स, हम साल में एक बार इकट्ठा होते हैं, तो अभी हम जनवरी में मेरी बुआ जी की लड़की, हम सारी बहनें इकट्ठा हुए थे और जून में काफी गर्मी होती है इसलिए हम जून में नहीं मिलते हैं। तो पम्मी चली गई है, मेरी बड़ी बहन पूनम वो भी चली गई है, तो धीरे धीरे सब जा रहे हैं और मेरे भी 2 दिन बचे हैं। 2 दिन के बाद मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। और ये देखो मेरी छोटी बहन है, ये अभी कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुकेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे पापा सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और बच्चे तो आपको पता ही है नकलची बंदर होते हैं। तो अपने नाना जी के साथ ये दोनों बच्चे अभिना और जैतिक, ये दोनों भी न्यूज़पेपर लेके बैठ गए हैं। थोड़ा बहुत कुछ तो पढ़ेंगे ही, बच्चों का इंटरेस्ट तो हो जाएगा। यार ठंड काफी ज्यादा हो गई है और यहाँ पर तो जो मेरा मायका है ना वो दिल्ली के नजदीक है, तो यहाँ पर तो टेम्परेचर 2 डिग्री के करीब पहुंच गया है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल बाहर निकलने का मन भी नहीं है और धूप आए 2-3 दिन हो गए हैं। तो जो कुछ होता है ना सब कुछ अंदर अंदर होता है। तो अभी खाना बनने की तैयारी हो रही है, मम्मी ने मिर्ची वगैरह काट ली है और मेरी मम्मी का बनाया हुआ इंस्टेंट मिर्ची का अचार आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए किचन में चलते हैं। अभी हम आ गए हैं किचन में, आटा छान लिया है और देखिए सब्जी भी बन गई है और मम्मी ने कढ़ाई चढ़ा दी है मिर्ची का अचार बनाने के लिए और इसमें मम्मी ने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हाई फ्लेम पे काफ़ी तेज़ गर्म कर लिया है। इसके बाद जब ये ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो तब इसमें मिर्ची डाली जाएंगी। तो इसको हाई फ्लेम पे गर्म करके और एक बार बंद कर दिया है जिससे कि तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए। किस पे सिक्का? खुद बना लिया? बस अपने जो दिमाग में था वो बना लेती थी, वो बहुत अच्छा बनता। वेरी गुड। तो भाई मम्मी का जो टेस्टी सा अचार है वो मैं भी आपको दिखाऊंगी प्रोसेस। मम्मी ने नमक डाल दिया है और हल्दी डाल दी है मिर्ची में। अभी मैं बनाऊंगी और नींबू जोड़ूंगी बाद में। और मेरा अचार इतना टेस्टी बनता है, बच्चे सारे भी करते होंगे, बहुत ही अच्छा। मेरी मम्मी को पैर में थोड़ा दर्द रहता है तो इसलिए मम्मी है ना सारा काम चूल्हे पे कर लेती हैं, तो हमारे यहाँ पर वाइट वॉश का काम जो है वो चला हुआ है, तो इसलिए मम्मी यहीं गैस पर बनाएंगी। तो थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया है, तब तक मम्मी मसाला बनाएंगी। दिखा तो मेरे पास पूरा मसाला डलता, ज्यादा गर्म में मसाला नहीं डलता। ठीक है, टेस्ट करके देख सकते हो। मसाले के बाद करो। नहीं पहले नमक वमक देखो और टाइट। मम्मी तेज होंगी बहुत? नहीं होंगी तेज, ना मम्मी है मुझे ज़्यादा तेज। मम्मी ने एक बैच तो ये मिर्ची हैं जो फ्राई करके निकाल दी हैं और दूसरे वाला बैच डाल दिया है फ्राई करने के लिए। कौन सा मसाला डालते हो आप? सौंफ है, राई है, अजवाइन है, तीनों चीजें कूट के और इसमें डाल दूंगी। बाद में इसमें 2 नींबू निचोड़ दूंगी, इतना टेस्टी अचार होगा, खट्टा खट्टा। बनाते बनाते मुंह में पानी आ जाए। वेरी गुड। और सर्दियों के टाइम में मिर्ची का अचार काफी टेस्टी लगता है। मैं सौंफ लेकर आई थी वो इस वाले थैले में, ये कल हम ग्रोसरी का सामान लेके आए थे। Thank you.
देखो चटोरे बच्चे टिक्की वाले भैया आए थे तो टिक्की खा के सर्दी का मजा ले रहे हैं। मोनी अपने जीजा जी की सेवा करते हुए और देखिए कितनी अच्छी टेस्टी टेस्टी कढ़ी बना दी है। बिल्कुल बिल्कुल सुपर्ब है पंजाबी कढ़ी पकौड़ा। और यहाँ पर प्रदीप जी हमें लेने के लिए 10:30-11 के करीब पहुँच गए थे और जैसे ही जैती को पता चला कि जाएंगे तो उसने रोना शुरू कर दिया था। क्या करें, लेकिन जाना तो है ही। और यहाँ पर पापा मम्मी और प्रदीप जी की बातें चली हुई हैं और अभी जो है मोनी वो खाना बनाने की तैयारी कर रही है। फाइनली हमारी घर वापस जाने की तैयारी हो गई है और हम रेडी हो चुके हैं, पैकिंग वैकिंग भी हो गई है। और ये देखिए अभिनव और हर्षिका की आउटफिट और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और अभिनव को तो पूरी जल्दी लगी रहती है कि अपने पापा को अभी देख लिया ना तो चलो चलो तो चलने की तैयारी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी घर आए हुए हो गए हैं, एक हफ्ता हो गया है और आज हो गई है घर जाने की तैयारी। मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि सब थे, मेरी बहन वगैरह सब आए हुए थे, काफ़ी मज़े किए हमने। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि मुझे घर वापस जाना है। तो देखिए ये मेरी आउटफिट, मैं रेडी हूँ और ये मम्मी धीरे धीरे सारा सामान इकट्ठा कर रही है। और देखिए आज थोड़ी सी धूप भी आई है। इन सब ने मिलके गाड़ी में सामान लगा दिया है और अब जैतिक है वो थोड़ा सा परेशान है क्योंकि वो अभी अकेला रह जाएगा क्योंकि भाभी है वो भी मायके गई हुई है और भाई के बच्चे हैं वो भी उनके साथ गए हुए हैं। बाय।